কি হইছে ও দাদা ইয়া দেখা ও ভয় লাগা না ধরাটা ভয় না এ ডরে বহুত ডরে From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. So hello everyone, this is your blogger Deepjyoti Shrestha and welcome back to my YouTube channel. In 220 today, BS6 model 220 का मजा ले रहा हूँ. मेरा दोस्त का है थंजित खकुलाड़ी और आगे जो बाइक जा रहा है R15 वो मेरा वाला बीस्ट है. और फाइनली बहुत दिनों के बाद BS6 मॉडल. पहले मैं BS4 चलाता था, मतलब मेरा खुद का ही था. सो देखते हैं चला के कैसा वाला एक्सपीरियंस होता है आज 220 BS6 मॉडल. बाइक तो बहुत कंफर्टेबल है. R15 चला के मतलब मेरे को क्या हुआ कि बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है बाइक. तो गाइस थोड़ा इधर फ्यूल कर लेते हैं बोको पर और 300 का. हाँ हो गया. तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है कंप्लीट और 300 का पेट्रोल डाल लिया और मेरा वाला में 250. और ये बाइक जो है मतलब चला के काफ़ी सही लग रहा है अभी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. मैं तो आगे BS4 मॉडल चलाता था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आते टाइम पर. आज तो आगे तक चलाएंगे. तो गाइस अभी मैं हूँ बोको पर और यहाँ से मेरा जो 220 वाले भाई साहब है वो जाएंगे विजयनगर तक. यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, वहीं तक ये बाइक चलाएंगे. और काफ़ी दिनों बाद आज मोटो ब्लॉगिंग पर. ये बंदा काफ़ी सेक्सी लग रहा है अभी. हाँ भगाओ भगाओ और भगाओ, कोई बात नहीं, भगाओ भगाओ. जय बजरंगबली, आज का दिन जो है अच्छा जाए. जय माता दी. तो गाइस देखिए हमारा होम टाउन बोको और अपना बाइक चला के R15. ये बाइक मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज इसका जो हैंडल है वो बहुत ऊपर है और मेरा वाला झुक झुक के चलाना पड़ता है. सो उसके थ्रू ये बहुत कंफर्टेबल है. आप लोग ले सकते हो 220 BS6 मॉडल. BS4 से तो काफ़ी हद तक ये बाइक अच्छा है BS6. और सुनने में आ रहा है कि इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, 40 प्लस देता है हाईवे पर. जो इसके ओनर है वो बोल रहे थे कि 40 किलोमीटर पर लीटर देता है ये बाइक, तो काफ़ी अच्छा है. 220 इंजन है उसमें 40 किलोमीटर का एवरेज माइलेज बहुत ही अच्छा है. जस्ट नाउ आई क्रॉस बोको और चलते हैं अभी डेस्टिनेशन के ओर. मैं तो जा रहा हूँ गुवाहाटी और मैं तो बोल ही रहा था कि भाई साहब जो जाने वाले 220 वाले भाई साहब विजयनगर तक. ये RBM कैसा है रे? हाँ अभी काफ़ी सही है. हाँ तो गाइस मैं आज गुवाहाटी इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा बाइक का जो है थोड़ा काम है अपकमिंग राइड के लिए. एक बहुत ही तगड़ा वाला राइड के लिए मैं जा रहा हूँ 400 प्लस किलोमीटर. अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं जब जाऊँगा तब रिवील करूँगा. उसके ठीक 15 दिन या 1 वीक आगे मैं रिवील करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो अभी के लिए बाइक को थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और 2-3 दिन बाद राइडिंग जैकेट लेंगे और हेलमेट भी अच्छा वाला एक MT का नहीं तो एक्सिस का हेलमेट लेंगे. और मॉडिफिकेशन बोले तो हैंडल का मॉडिफिकेशन करेंगे, हैंडल बार चेंज करेंगे या फिर हैंडल बार को थोड़ा एराइज करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा अपने को भी, मतलब अपना V3 को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा ना. सो जो मेरा अपकमिंग राइड है उसके लिए थोड़ा कंफर्ट लेना पड़ेगा. बहुत ही तगड़ा वाला लोकेशन पे जा रहा हूँ. वो लोकेशन देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप आँख बंद करके
220 BS6 मॉडल ले सकते हो, क्योंकि अभी तक मैं 20 किलोमीटर चला चुका हूँ, मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है चला के। अगर आपको लेना है तो आँख बंद करके BS6 ले सकते हो। BS4 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और अभी जो है BS4 तो बंद हो चुका है, और ये अपना ब्यूटीफुल बीस्ट आगे जा रहा है। और एक बात बोलना चाहूँगा, R15 वर्जन 3 से इसका थोड़ा जो है पिकअप थोड़ा कम है, मतलब इंस्टेंट पिकअप थोड़ा कम है। मतलब लाहे लाहे जुआ भाई, मतलब खालबुर जी आए ना वहीपुर बसाबा अलग डायरेक्ट घुसी ना जाबा आरो लाहे लाहे आहा। तो भाई को मैं बोल रहा था कि धीरे धीरे आओ, क्योंकि ये जो हाईवे है ना, इधर हाईवे तो छोड़ो, ये कुछ गड्ढा हुए जैसा लग रहा है मेरे को, बहुत ही मतलब गड्ढा वगैरह कुछ है, तो बाइक जो है मतलब ख़राब हो जाएगा। मैं इस 220 को भी बहुत आराम आराम से चला रहा हूँ, और मेरे वाले को भी मतलब बहुत ही संभाल के चलाने को दे रहा हूँ। Yeah, blue jeans, Air Ones, and a white tee. 06 hanging out the window like E. High feet. तो गाइस, नाउ फाइनली एक्सचेंज द बाइक, और 220 BS6 चला के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। और वो चला के मेरे को ये जो है R15 V3 अद्भुत लग रहा है अभी, मतलब झुक के चलाना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम जो है इस हैंडल को अपग्रेड करेंगे, और अभी मैं हूँ सोएगा पर। ओ भाई क्या हुआ इधर, लगता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ था शायद इधर, चलो कोई नहीं। तो गाइस, रोड में जब ऐसा देखता हूँ ना एक्सीडेंट, तो मतलब बहुत ही बुरा लगता है। तो बाइकर्स, ड्राइव विथ फुल सेफ्टी के साथ, मस्ट वेयर हेलमेट एंड ड्राइव। उधर शायद FZ एक्सीडेंट हुआ होगा, हाँ हाँ इधर में देखने को मिला, कुछ देखने को मिला इधर। क्यों विषय अजगर, अजगर सांप निकला इधर, अजगर निके कुने धरी से अजगर वीडियो तो आसे नेके साओ आकिबा खालड आसे नेके अजगर तो ना कमरे नहीं किटू हाफ डे कमरे खाली डे कमरे तो एरिया ना खाली डे नंबर ले ले खाली डे कमरे ले अपन ले जा ये हाफ नो है बूम हाफ डे फोन कौन दो दूसरी की मुको दूसरा मुको डरी डरी मुको दूसरे नहीं के बोला बाप रे बा ভয় লাগা না ধরাটে বৌ মা কা
तो गाइस इधर जो है मतलब अजगर स्नेक निकला था, तो हमारे इधर का एक भाई साहब ने पकड़ा और उसको बोरा में डाल के बांध के रख दिया, और अभी मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएंगे शायद, तो देखते हैं, थोड़ा देखने को ही नहीं मिलेगा। ओ माँ तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा स्नेक निकला था अजगर, तो मतलब देख के बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मतलब सामने से देखा विदाउट एनी पिंजरा एंड ऑल। पहले तो हम देखते थे जू रोड पे, मतलब जू में देखते थे, और अभी रियलिटी में मैंने इधर देखा मिर्जा पर, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएंगे और उसको ले जाएंगे। तो गाइस अभी कंटिन्यू रखते हैं हमारा मोटो ब्लॉगिंग। तो गाइस आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि राइड के टाइम पर इतना बड़ा स्नैक अजगर वो भी, सो होप फॉर द बेस्ट आज दिन अच्छा जाए और हमारा जो V3 है उसका काम भी बहुत अच्छे से हो जाए। लेट्स गो बेबी। आधे टाइम पे 220 में आया था, और अभी विजयनगर से जो है वो भाई जा चुके हैं, क्योंकि उनका जो है विजयनगर पे काम था, नंबर प्लेट और RC लेने के लिए आए थे भाई, तो वो अभी जा चुके हैं। और हम लोग जो है मैं और मेरा पिलियन राइडर पाँचे रुपम, हम लोग अभी आगे तक कंटिन्यू कर रहे हैं गुवाहाटी। मोरी भी ये लोग ना गाड़ी से उतरते क्यों हैं? जब गाड़ी रखता है ना तभी उतरने का बात कहाँ से आता है यार। अभी आप लोगों ने देखा कि वो बंदा जो है इधर उधर नहीं देखा, डायरेक्ट उसने मतलब छलांग लगाने का कोशिश किया था। तो गाइस आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा इधर का जो रोड है वो अभी बन रहा है। सो एज यू कैन सी रोड में ट्रैफिक हो नो प्रॉब्लम, रोड सही होना चाहिए भाई। थम्स अप टू दिस रोड, न्यू रोड ऑफ गुवाहाटी NH17। गाइस फाइनली गुवाहाटी, और अभी मैं गुवाहाटी एंटर हो चुका हूँ, जा रहा हूँ अभी गणेशगुरी। तो गाइस मैं गुवाहाटी किस काम के लिए आया हूँ और क्या करने वाला हूँ मेरा बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन, वो जानने के लिए चैनल पे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।